हेलो दोस्तों, मैंने स्पीडो मीटर मंगवाया था अमेजोन से। तो इसको मैंने अभी इसको अनपैक किया है। ये 650 रुपये का आया है, इसका रेट है 650 रुपये का मिला है ये मुझको। आज ये डिलीवर हुआ है, तो इसको मैं साइकिल पर लगाने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, कैसा ये वर्क करता है, क्या इसमें कमियाँ हैं, हम इस कमियों के बारे में बात करेंगे और क्या इसमें अच्छी बात है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं। ये देखिए, ये स्पीडोमीटर है, ये देखिए इसकी बैक लाइट भी है, लेकिन ये बैक लाइट स्टिल नहीं जगती। ये देखिए, सिर्फ कोई 2-3 सेकेंड बाद ये खुद ही ऑफ हो जाती है। और ये इसके साथ ये इसका स्टैंड है, ये देखिए, ये इसके साथ इसका स्टैंड है। इसको ऐसे स्टैंड पर लगा दिया जाता है। और ये तार है, वायर है, ये वायरलेस नहीं है, ये वायर वाला है। जब मैंने ऑर्डर किया तो इसके ऊपर लिखा हुआ था वायरलेस, लेकिन ये वायरलेस नहीं है। ये देखिए, साथ में वायर भी है। दोस्तों, मेरे ऑर्डर वाले पैक में से मैग्नेट नहीं निकली, क्योंकि ये मैग्नेट सेंसर वाला है, तो उन्होंने पूरा सामान नहीं भेजा। और साथ में ये देखिए, ये बांधने के लिए, तार बांधने के लिए ये भी भेजे हैं, लॉक भी भेजे हैं। तो दोस्तों, इसमें से मैग्नेट तो नहीं निकली, तो ये मैंने घर में ही पड़ी हुई एक मैग्नेट के लगा के देखूंगा अपने साइकिल में। ये देखिए, ये वर्क कर रहा है। ये मैंने ऐसे साइकिल की तरह ये घुमाया और ये देखिए, ये स्पीड बता रहा है, मतलब ये सही है, वर्क कर रहा है। अभी इसको साइकिल में लगा के चेक करेंगे अच्छी तरह से। और दोस्तों, ये इसका स्टैंड भी बहुत बढ़िया नहीं है। ये देखिए, इसके होल्ड करने के लिए जी, ये सिर्फ एक चेपी सी लगी हुई है, छोटी सी टेप। ये भी ज़्यादा अच्छी तरह पकड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खड्डे में, जब साइकिल खड्डों में साइकिल थोड़ा उछलेगा तो ये मुझे लगता है ये उतर जाएगा। ये सही नहीं है ये स्टैंड जहाँ पर स्क्रू वाला स्टैंड चाहिए था, जिसके साथ के ये अच्छी तरह पकड़ बना लेता। ये बिल्कुल मुझे स्टैंड इसका अच्छा नहीं लगा। ये देखिए, ये मैं जहाँ पर इसको लगा रहा हूँ, लेकिन ये स्टैंड नहीं, अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जी। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर चिपका दिया। अभी तार को, ये ब्रेक वाली तार है जो उसके साथ में घुमा कर टायर के पास इसका सेंसर हम लगाएंगे। दोस्तों, ये साइकिल डिस्क ब्रेक वाला है, तो ये सेंसर को आप हो सके तो डिस्क ब्रेक की दूसरी तरफ लगाएं। आप इसको दूसरी तरफ लगाएं, ये दूसरी तरफ बढ़िया रहेगा। दोस्तों, इसको साइकिल के ज़्यादा ऊपर, टायर ज़्यादा तारों के ऊपर भी मत लगाएं और ज़्यादा नीचे भी मत लगाएं। इसको बस ये जहाँ पर ये क्रॉस बना हुआ है इसके पास ही लगाएं, क्योंकि इन्होंने मैग्नेट तो भेजी नहीं अमेजोन वालों ने, तो जो मुझे घर पर पड़ी हुई मैग्नेट ही लगानी पड़ेगी। तो उसको ये क्रॉस के स्थान पर इसको टेप जो होती है, सेलो टेप, उसके साथ बांध दिया जाएगा, लपेट दी जाएगी। तो इसलिए मैं जहाँ पर इसको लगा रहा हूँ, जहाँ पर ये कांटा बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है ये तारों पर।
ये देखिए दोस्तों, मैंने ये एक चुबक लिया है, इसको यहाँ पर लगा के इसके ऊपर मैं टेप लपेट दूँगा, सेलो टेप, कि ताकि ये कहीं रास्ते में गिर ना पड़े। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, अभी इसको मैं चेक करके देखता हूँ कि मीटर वर्क करता है कि नहीं करता है। तो अभी मैं इसका टायर घुमा कर देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ देखिए दोस्तों, ये वर्क कर रहा है, ये बढ़िया चल रहा है, ठीक है, ये मीटर बिल्कुल सही है। बस इसका ये होल्ड करने वाला स्टैंड एक अच्छा नहीं लगा मुझे, और एक इन्होंने ये किया कि मुझे इसकी मैग्नेट नहीं भेजी, मैग्नेट मुझको खुद लगानी पड़ी। तो ये चीज़ मुझको अच्छी नहीं लगी। तो दोस्तों, मैं इसको 100 में से 40 नंबर देता हूँ इस मीटर को, क्योंकि मीटर तो ठीक वर्क कर रहा है, इसमें टाइम डेट सभी कुछ है, लेकिन इसका स्टैंड अच्छा नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि ये खड्डों में जब ये उछलेगा तो ये गिरने का खतरा रहेगा ये स्टैंड का।